मैं अभी 10 मिनट पहले ऊपर NH2 पर था, वहीं से वीडियो बना रहा था, तभी लोग दिखाई दे रहे थे। अभी पुलिस प्रशासन आई, उसके बाद वीडियो में दिखा रहा हूँ। आप सभी दुकानदार, आप अपना अपना दुकान पर है, दुकान पर है, बताइए नीचे सबको। मैं NH2 ऊपर में जब वीडियो बना रहा था, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पे लॉकडाउन करने के बावजूद भी लोग यहाँ पे एक का दुक्का और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, बिना वजह भी घूम रहे हैं, तो आपके लिए किया जा रहा है। आपसे मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपने घर में रहिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि भगवान जी को मोहनिया बस स्टैंड है, यहाँ पे पूरी तरह से खाली है, जो कि चांदनी चौक अभी फिलहाल पुलिस आई तो हटाई तो खाली होगा। मैं ऊपर से वीडियो बना रहा था, तो आप देख सकते हैं कि नगर पंचायत द्वारा अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि सभी दुकानों को बंद कराया जाए, और उसके बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पर देखी चौकन्ना बदला में पुलिस प्रशासन आई, तो यहाँ पर सभी लोग यहाँ से चूँकि हटने लगे, जाने लगे। आप जानते हैं कि लॉकडाउन हो चुका है, फिर भी आप लोग घर से बाहर ना निकलें, अपने आप को सेफ रखें। आप जानते हैं कि मार्केट में जनरल स्टोर, राशन दुकान और मेडिकल स्टोर, और आपने बता दें कि फल और सब्जी की दुकान खुली है। इसके अलावा स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल संदीप गुप्ता ऑफिशियल में। सो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कोरोना की वजह से पूरे देश में दहशत मचा हुआ है। देख सकते हैं मेरे शहर मोहनिया में, जो दिखा रहा हूँ आपको, कि पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया, जो कि पूरा इंडिया पूरी तरह से ग्रसित है और परेशान है। तो मैं बता दूं कि मैं अभी NH2 पे हूँ, जो कि दिल्ली और कलकत्ता से जो डायरेक्ट जोड़ता है, मैं भी वहीं पे हूँ। और आपको मैं बता दूं, की वजह से दहशत फैला हुआ है पूरा देश में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं रहता हूँ बिहार के कैमूर जिला मोहनिया में, तो देख सकते हैं माँ मुंडेश्वरी गेट है, जो कि माँ मुंडेश्वरी गेट है और ये मोहनिया में है। तो मैं बता दूं आपको, देख सकते हैं बहुत क्रिटिकल हो चुका है कोरोना वायरस की वजह से, उसको पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे आना वाले हैं। क्या प्रोसेस है समझना पड़ेगा। मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर और फल्स की दुकान अभी खुली हुई है, सब्जी वगैरह की दुकान खुला हुआ है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी 10 मिनट पहले बहुत कम लोग थे, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे शाम ढल रहा है वैसे वैसे लोग आ रहे हैं। देख सकते हैं यह बस स्टैंड मोहनिया का है, जो कि वहाँ पर पूरा बस एक भी नहीं चल रही है, मैजिक वगैरह, जीप, टेम्पो वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है। देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पे आदमी लोग नहीं हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को खुद सेफ रखिए और सेफ रखने की कोशिश, क्योंकि आप सेफ रखेंगे तभी बेटर रहेगा। और मैं बता दूँ आपको कि अपने आप को खुद को आप सेफ रखिए, पूरी तरह से लॉकडाउन है, कहीं कहीं धारा 44 लगा हुआ है, कहीं पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, तो आपके लिए किया गया है। अब अपने आप को सेफ रखिए, मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर करूँ, जो क्योंकि गाँव देहात के लोग सोचते हैं, गांव साइड से कोई है तो वो आना चाहता है मोहनिया, जैसे अपने गांव में रहता है परेज वगैरह मार्केट करने का। तो मैं बता दूं कि अभी मार्केट पूरी तरह से बंद है, सब्जी वगैरह दुकान खुला हुआ है। फिलहाल कल क्या होता है इसके बारे में तो कल पता चलेगा। पूरी तरह से देख सकते हैं बंद है दुकानें, सब्जी और फल और मेडिकल स्टोर और सारी जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब खुला हुआ है। और मैं बता दूं आपको कि आप अपने आप को खुद सेव रखिए और कोरोना वायरस से बचिए, जितना हो सके आप अपने घर में रहिए और घर में रहने की कोशिश कीजिए।